अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव बीफ का, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें शामिल है एक बारीक हरी मिर्च कटी हुई, सूखा धनिया पिसा हुआ एक चम्मच, एक चम्मच है हमारे पास लाल मिर्च, एक चम्मच है नमक और एक छोटा पैकेट चाइना साल्ट, और ये हमारे पास गरम मसाला, दो चम्मच हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, और इमली हमने थोड़ी सी गीली करके रख दी है, और दो बड़े प्याज हमारे पास बारीक कटे हुए, दो टमाटर हमने बारीक स्लाइस में काट लिए हैं, और तीन पाव के करीब चावल हमने गीले करके रख लिए थे, और गोश्त हमने अदरक लहसुन डालकर अच्छे से गला लिया है। गोश्त भी हमारा तीन पाव के करीब है। इधर कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ब्राउन करने के बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे जो हमने आपको बताए हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, सारे मसाले ऐड कर दें इसमें, और 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे मसाले को। इमली डाल दें, मसाला हमारा रेडी है। गोश्त को भी हमने अच्छे तरीके से गला लिया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया हमारा गोश्त। गोश्त हम मसाले में ऐड करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। जो हमने गोश्त की यखनी हमारे पास है वो हमने इसमें ऐड कर देनी, उसको ज़ाया नहीं करना। यखनी पुलाव है तो यखनी तो ऐड करनी पड़ेगी। अपने चावलों के हिसाब से आप पानी अपना नाप लें और वही यखनी ऐड कर दें। यखनी के पानी को उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। पानी हमारा रेडी है। चावल खुश करके डालें, पानी समेत ना डालें। चावल हमने डाल दिए, इसको अच्छे से हिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। चावल डालने के बाद हमने इसका नमक चेक कर लेना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और दम के लिए हमने लिए दो टमाटर बारीक काट कर, दो हरी मिर्चें और दो चम्मच साबुत गरम मसाला जो हम दम पे डालेंगे। टमाटर डालेंगे हम मिर्चें रख कर, और गरम मसाला डाल के हम दम पे रख देंगे चावल। चावल वाली कढ़ाई हमने तवे पे रखनी है, तवा पहले हम गरम करके फिर हम कढ़ाई रख देंगे, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि आपके चावल नीचे से नहीं लगेंगे। ये देखें चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं,
बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, आप ज़रूर ट्राई करें। यखनी पुलाव हमारा रेडी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।